के वज़ीरे ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि उम्मीद है IMF प्रोग्राम एक दो रोज़ में बहाल हो जाएगा। IMF को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं, IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी कोई एतराज़ नहीं। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, सालाना 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज जो बजट है उसको स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने फाइनल कर दिया है और इसके बाद जो है अब ये रिकमेंडेशन कौमी असेंबली में जाएंगी सेनेट से। इसमें जो है वो आज जब बजट से मुतालिक नुकात को फाइनल किया गया उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन दोनों के दोनों मौजूद थे। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि जो अभी जो हमने छूट दी है इनकम टैक्स की 12 लाख सालाना तक, इसी तरह जो 15% तनख्वाहों में इजाफा किया है ये IMF के मशावत से किया गया और इसको IMF को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है और इसलिए जो है इस बात का उनकी उम्मीद है कि पाकिस्तान IMF के दरमियान जो कर्ज प्रोग्राम की बहाली का इशू है वो निमट जाएगा और एक दो दिन के अंदर जो है प्रोग्राम बहाल हो जाएगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो IMF के जितने भी नुकात थे उन पर उनको पूरा कर चुका है, अब कोई रुकावट नहीं है प्रोग्राम को बहाल होने में। जी, बहुत शुक्रिया आपका शुएब निज़ामी।